व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बनाने वाले व्लॉग, आज हम अपने घर पे कुछ स्पेशल डिश बना रहे हैं, तो आज हम उसका उसकी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं। काजू, इधर हमने काजू रखे हैं, और ये है बादाम, और ये है गौंद, और ये है खसखस, और ये है कमरकस, ये है मेथी, ये है मेथी, और ये है मगज। और इस मेथी को कल से दूध में भिगा रखा है, तब जाके ऐसी हुई है। हमने इसके अंदर घी डाल दिया है। अब हम काजू भुनेंगे। ये देखो, और इधर है किशमिश, और इधर हमने काजू निकाल दिए हैं। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और अभी काजू फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। और इधर हमने बादाम भूनने के लिए लगा दिए, अभी बादाम भूनेंगे हम। हम अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अभी हम इसके अंदर गौंद डालेंगे। पहले कैसे थे और अभी ऐसे हो चुके हैं, क्योंकि हमने उनको अच्छे तरीके से भून दिया है। फूल जाते हैं घी में, वो भी अब वो हर चीज को घी के अंदर भूनना है, वो भी अच्छे तरीके से। अभी हम इसके अंदर कमरकस डालेंगे। ये देखो, आपको हर चीज को अच्छे से वो भी घी के अंदर फ्राई करना है। कमरकस अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम डालेंगे मगज। ये एकदम अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अभी हमने इसके अंदर निकाल दिए। अभी हम इसके अंदर मेथी फ्राई करेंगे। अभी हम मेथी को इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से फेंट रहे हैं, वरना जम जाएगी। एकदम सुनहरी सुनहरी हो चुकी है। ये देखो, इसका पूरा कलर चेंज हो चुका है, पहले ग्रीन ग्रीन थी, अब सुनहरी हो चुकी है। और जो हमने आपको सारे सामग्री दिखाई थी, मसाले दिखाए थे, वो सारे मसाले पीस चुके हैं। तो इसके अंदर अभी हमने सारे मसाले मिक्स कर दिए। पहले हमने जो मिक्स करा था वो डाल दिया, उसके बाद हमने आटा भुना हुआ डाल दिया, उसके बाद मेथी डाल दी, और उसके बाद किशमिश डाल दिया। अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये देखो, इधर आटे के लड्डू है, ये आटे के लड्डू है, और ये मेथी के लड्डू है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा। ये आटे का है और ये मेथी का है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा, पता भी नहीं चल रहा कौन सा किसका है। और कमेंट सेक्शन में बताना किस किसने वीडियो यहाँ तक देखी।